अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, आज के जो होस्ट हैं वो हैं अब्रार। अब्रार आपको सिखाएंगे कि सैलड बार वाला बिजनेस कैसे किया जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरी जगह अब्रार क्यों वीडियोस बना रहे हैं, तो अब्रार उस आर्मी का हिस्सा है मेरी, जो मेरा साथ दे रही है कि जो काम मैं 10 साल में करने जा रहा था वो एक साल में हम मका फेंकें। तो कैसे, videos.chaiwala.com पे जाके ये वीडियोस अपने अपलोड कर रहे हैं। आप भी अगर मेरा साथ दे सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। मैं अप टू 10,000 रुपीज़ पर वीडियो देता हूँ। तो दैट सेड, वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस भी हैं, वहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह आप मेरा साथ देंगे तो पाकिस्तान वाकई जिंदाबाद हो जाएगा। आप अब्रार की वीडियो देखें एंड सीखें कि सैलड बार वाला बिज़नेस कैसे रन किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मिलियनरों, मैं हूं इब्रार कुरैशी और आप देख रहे हैं आज़ाद चाय वाला शो। मेरे साथ मौजूद हैं 23 साल नौजवान मोहसिन। मोहसिन ने अपने रशियन सैलड का कारोबार स्टार्ट किया, इन्होंने एक छोटा सा स्टॉल तैयार करवाया आज से 2 साल पहले, और माशाल्लाह से ये अपने रशियन सैलड को, इस कारोबार को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और इन्होंने अपनी वो जो एक अना होती है जो हम पाकिस्तानियों के अंदर होती है, उन्हें उससे बाहर निकले और इन्होंने एक स्टाइल से अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया। और माशाल्लाह से एक आइंदा आने वाले दिनों के ये मिलियनर हैं, और इसी स्टाइल से इंशाल्लाह ये इनके जो जज्बे हैं वो बुलंद हैं, वो अपने कारोबार को आगे लेके जाएंगे। आपने रशियन सैलड का कारोबार ही क्यों स्टार्ट किया, और भी कोई कारोबार था इसी की तरफ क्यों आए? इधर बर्गर, शवारमा, दूसरे स्पाइसी चीज़ें हैं, मगर स्वीट में कुछ भी नहीं था, इसलिए हमारा सैलड का पॉइंट इधर ज़्यादा बेहतर रहता था, इसीलिए हमने इधर सैलड का। अच्छा, ये जो आपने स्टॉल आज से 2 साल पहले कितने में तैयार करवाया? ये 50,000 में तैयार हुआ था, शीशे के साथ सारा पूरा फ्रेम। कहाँ से तैयार करवाया था आपने? ये लिबर्टी वाले से। लिबर्टी किस जगह से? राजा बाजार से तैयार करवाया था। और आज अगर हम इसकी बात करें 2 साल बाद, आज ये तकरीबन कितने का होगा? 75 प्लस होगा, यानी कि 25,000 का फर्क पड़ चुका है। 2022 में ये 75 का नया ये बन, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन क्या क्या चीज़ सेल करते हैं? ये फ्रूट में रशियन है, नमकीन सैलड है, चना चाट है, ये सब मिक्स होता है। अच्छा, इसमें काफ़ी किस्म के चना अलग हो जाता है, स्पाइसी वगैरह, ये स्वीट में भी होता है, फ्रूट है। अच्छा, चाट भी हो जाती है। रशियन सैलड प्राइसेस क्या हैं आपके? प्राइसेस स्मॉल 60 का है, उससे अबव है 120 का है, उससे अबव हाफ लीटर है 150 का है, 200-300 नॉर्मल रेट है, जो आम बंदा भी खा सकता है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं प्रॉफिट मार्जिन की, ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है इसमें? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 50% है, वैसे हमें नेट प्रॉफिट 30% है। यानी कि आपके खर्चे मर्चे सारे कुछ निकाल के आपको जो आपके रेट्स हैं, जो 120 वाला या 120 है, और दूसरा क्या रेट बताया था हमने? 60 वाला और 120 वाला, सिर्फ 30 रुपये आपको बच जाते हैं पर प्लेट पर, ठीक है। अच्छा, 60 रुपये आपको उस पर बचत हो गई। ये बताएँ कि इस जगह का आप रेंट देते हैं? हाँ जी, हम रेंट कितना रेंट पे करते हैं? 15,000 रुपया, तो वो इसी से निकल आता है। अभी हम आते हैं कि मंथली आप माशाल्लाह से कितने अर्न कर लेते हैं यहाँ से, जो बचत होती है? अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 तक। 60,000 रुपया, और इससे ज़्यादा भी हो जाता होगा? सीज़न वाइज होता है। सीज़न वाइज, अच्छा, इसका सीज़न भी होता है? सीज़न भी होता है। कौन सा सीज़न है इसका? फ्रूट में ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फ्रेश फ्रूट होता है, और गर्मियों में ज़रा फ्रूट की कमी होती है, इस वजह से वहाँ पे सीज़न डाउन। यानी कि सर्दियों में आपका ये ज़्यादा सेल होता है, गर्मियों में कम सेल होता है? गर्मियों में अगर ये ज़्यादा सेल नहीं होता, अगर जो आपने बनाया है जो माल वो सेल नहीं हुआ, तो फिर आप उसका क्या करते हैं? इसको फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने के बाद काम तो नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता, वन डे का इसके एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने ये सीखा कहाँ से? मैंने ये चिश्तियाँ सीखा। चिश्तियाँ से सीखा जी, हिंदुस्तान बेकरी। कितने अरसे में सीखा आपने? मुझे लगे थे 3 माह। 3 माह में के अंदर बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। अगर कोई सीखना चाहता है, हमारा मिलियनर, आप उसे सिखाएंगे? इसे सिखा देंगे? ठीक हो गया। अच्छा मोहसिन, ये बताइए कि इसके कुछ आपके एक्सपेंस क्या हैं, कि कौन कौन से खर्चे हैं आपके? एक्सपेंस, ये रेंट होता है इसका, छोटा भाई है उसका, पर डे का उसके हिसाब से होता है, मतलब एक रेंट होता है, और एक आपने कोई एम्प्लॉई रखा हुआ है उसकी सैलरी होती है, हेल्पर, और उसके अलावा कोई खर्चा तो नहीं है? उसके अलावा कोई बिजली का बिल वगैरह तो नहीं? वो रेंट में ही होता है। अच्छा, जगह का कैसे इंतखाब करें, अगर कोई हमारा मिलियनर ये काम स्टार्ट करना चाहे, जगह का कैसे इंतखाब करेगा? जगह का मार्केट के हिसाब से, मतलब उसमें फास्ट फूड का काम और जैसे और बिजनेस होते हैं, कपड़े वगैरह मार्केट, जहाँ पे लेडीज काम कर रहा है। फास्ट फूड के किस तरह जगह ढूंढे, वो क्यों करना चाहे? फूड का यही है, शॉर्मा, बर्गर, जूस कॉर्नर, ये चीज़ें इकट्ठी हो जहाँ पे फूड स्पाइसी ज़्यादा और स्वीट काम हो, वहाँ पे हमारा काम ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। ठीक हो गया। अच्छा, शुरू में आपने कितना इसके माल लगाया था अपने इस कार्ड पर? स्टार्टिंग में हमने तकरीबन 5,000 से शुरू किया, उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 10। वो पहले दिन सारा सेल हो गया? सही है। तो अभी डेली की सेल मतलब कितनी दिन रहती है? 10-12,000 तक।
आपको इसमें कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, कोई नुकसान। शुरू में कोई गलतियां आपने की हों? कुछ भी नहीं। तो गलतियों के बारे में बताएं, कोई आपसे गलती हुई होगी? कभी सामान की एवरेज पे होता है, तो जितना बंदा एक्स्ट्रा खर्च करेगा उससे क्लोज रखे, जितना क्लोज करेंगे उतनी सेविंग ज़्यादा। ठीक है, ये जो इसकी जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अज्जाएँ, ये आप होलसेल से परचेज करते हैं? जी जी। कहाँ से परचेज करते हैं? राजा बाजार से। आप परचेज बल्क में लेके आते होंगे? जी जी। इकट्ठा लेके आते, उसमें बचत हो जाती है? इसी में से हमने अपना बाइक बनाया। अच्छा, बाइक वगैरह इसी से बनाया आपने, और घर के बाकी खर्चात वगैरह इसी से पे करते हैं? ठीक हो गया। कोई ऐसी जो नौजवान हमारा ये कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, वो कैसे करे, उसी को थोड़ा सा हौसला अफजाई करो। यही है कि घर बैठने से तो कुछ नहीं होगा, हमारा नंबर ले लें, हम नंबर अपना लिख के उस पर रब्ता करें, हम 2 माह में उसे रेडी करें, 2 माह के अंदर वो एक्सपर्ट हो जाएगा इसका और अपना कारोबार बिजनेस शुरू कर सकते हैं। किसी की मुलाजमत नहीं करने से बेहतर है कि अपना कारोबार। आइंदा आने वाले दिनों में, जो आइंदा आगे आपकी क्या प्लान है, इस बिजनेस को कैसे लेकर चलेंगे, कैसे ग्रो करेंगे बिजनेस? इंशाल्लाह इसी में से अभी जिंगर बर्गर वगैरह, दूसरे जो भी फास्ट फूड में आता है उनको भी शुरू करेंगे, ताकि हमारा बिजनेस और डेवलप। ठीक हो गया, अभी इसे मजीद आगे लेके जाने की आपकी ख्वाहिश है? जी जी। कस्टमर कौन लोग हैं आपके, बच्चे बड़े बुजुर्ग को किस एज के लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे से लेके बड़ों तक सब एंजॉय करते। जी मिलिनरो, अगर वीडियो आपने अभी तक पूरी देखी है तो इसका मतलब है आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने प्यारों के लिए। उसके लिए आपने करना ये है कि हमारे YouTube चैनल आज़ाद चाय वाला को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की कारोबारी मालूमती वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोशिश है मेरी के तुम भी आजाद हो जाओ।